हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिन के बाद आज आई हूँ नया ब्लॉग लेके। तो मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ नया ब्लॉग लेके। तो आप लोग सोच रहे हो कौन सा ब्लॉग लेके आई हो जो इतना सज धज के आई हूँ। मैं किसी भी ब्लॉग में इतना सज धज के नहीं आती हूँ। ऑब्वियस साड़ी पहन के, तो ये मेरी मम्मी की साड़ी है तो देख सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो मैंने पेयर किया है। तो आज मैं कौन सा ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बता दूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारी मेरी जो ज्वेलरी हॉल है वो सारे लेके आई हूँ। कि मेरे जो ये सारे हॉल्स में लेके आई हूँ, देख सकते हैं ईयर रिंग्स और सेट वगैरह की हॉल जो मैं लेके आई हूँ, जो नया हॉल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कौन सा मैं नया नया कलेक्शन लेके आई हूँ ज्वेलरी का। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ज्वेलरी वो सारे अफोर्डेबल प्राइस में है। मैंने ज़्यादा प्राइस में ये सारी कम प्राइस में है मैंने जितना भी लिया है। और ये सब लोकल मार्केट से मैंने परचेस किया है। अगर आप भी लामनिंग से विजिट करते हो तो आप ले सकते हो, बट अदरवाइज ऑनलाइन में भी आपको सब ये मिल जाएगा गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये वाला इयर रिंग्स जो मैंने अभी भी ओपन नहीं किया है और ना ही मैंने इसको एक बार भी वेयर किया है। एक बार भी मैंने इसको नहीं पहना है गाइस। तो ये बिल्कुल नया है मेरे लिए। ये रहा इयर रिंग्स, अच्छा है ऐसा। ये वाला इयर रिंग्स देख सकते हैं पूरा नया है गाइस, ये वाला इयर रिंग्स। और ये मैंने एक बार भी नहीं पहना है, जैसे मैं लेके आई हूँ ऐसे मैंने रख दिया है ये वाला इयर रिंग्स। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कैसा है ये। इसको ऐसे ओपन करते हैं तो ये रहा इसका इयर रिंग्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सा इयर रिंग्स है, देख सकते हैं सीट दिया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस देख सकते हैं। और ये सिर्फ 20 रुपीज़ का था, सिर्फ 20 रुपीज़ से मैंने परचेस किया है। और ये वाला परचेस किया है मैंने गुवाहाटी में, जब गई थी तब मैंने इसको लिया था गुवाहाटी से। ये वाला मैंने वाइट कलर का मेरा आउटफिट है उसके साथ ही मैंने लिया था इसको। तो ये वाला, तो अभी मैंने इयर रिंग्स जो है पहन के रखा है तो इसलिए मैं इयर रिंग्स नहीं पहन रही हूँ, ऐसे मैं दिखा रही हूँ देख सकते हैं। ये वाला इयर रिंग्स कितना सुंदर लग रहा है ना, सो ब्यूटीफुल। तो ये रहा मेरा 20 रुपीज़ का, सिर्फ 20 रुपीज़ है गाइस इसका रेंज। तो ये 20 रुपीज़ का था। उसके बाद और एक इयर रिंग्स है जो मैंने एक बार भी वेयर नहीं किया है, एक बार भी मैंने नहीं पहना। ये वाला इयर रिंग्स देख सकते हैं, एक बार भी मैंने नहीं पहना है, सिर्फ मैं खरीद के देख के आई हूँ, उसके बाद मैंने रख दिया है। इसको ऐसे करके ओपन करते हैं और ये रहा इयर रिंग्स इसका। और ये लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। तो ये वाला इयर रिंग्स ये भी सिर्फ 20 रुपीज़ का है। तो ये मैंने लामनिंग से लोकल मार्केट से परचेस किया है। अगर आप भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन में भी ये अवेलेबल है, तो ऑनलाइन से भी इसको ले सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है ये वाला दो चूड़ी जो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था इस बार शीतला पूजा मेला से। मैंने लिया था ये वाला चूड़ी, सिर्फ 100 रुपीज़ का ये चूड़ी है देख सकते हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ का। कोई नहीं बोलेगा ये 100 रुपीज़ का है, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस देख सकते हैं, सो क्यूट है। आप लोग देख सकते हो बहुत सुंदर है, सो टेम्प्टिंग एंड सो ब्यूटीफुल। और सिर्फ 100 रुपीज़ का है, ओनली 100 रुपीज़ का है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला चूड़ी जो मैंने अपनी मम्मी के लिए वेयर किया। और मेरे मम्मी का मेरे साइज सेम है तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो ये वाला चूड़ी सो क्यूट ना, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो ये वाला मैंने दो चूड़ी अपनी मम्मी के लिए लिया था, सो क्यूट, ऑसम। और इसके बाद मैंने लिया था ये वाला भी, मैंने शीतला पूजा से लिया था। तो ये मुझे मनोज ने गिफ्ट किया था, 150 रुपीज़ का है ये वाला चूड़ी, 150 रुपीज़ का ये वाला ब्रेसलेट है देख सकते हैं आप, सिर्फ 150 का ही ये। और ये भी मुझे मनोज ने गिफ्ट किया था शीतला पूजा के टाइम 150 रुपीज़ से। ये भी बहुत सुंदर है, आप गाउन वगैरह ये इसके साथ पहन सकते हो, साड़ी गाउन ये सब के साथ पहन सकते हो ऐसे करके ये है। तो देख सकते कितना सुंदर, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना। ये वाला एक है, आप ऐसे कस के इसको ओपन कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप गाउन के साथ, साड़ी के साथ, बहुत कुछ के साथ इसको वेयर कर सकते हो। उसके बाद है मेरे पास और एक इयर रिंग्स, आप शायद इसको पहने हुए देख सकते हैं, मुझे देखे होंगे शायद आप मुझे। तो ये वाला इयर रिंग्स देख सकते हैं, और इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, इसका है 150 प्राइस।
150 था देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से, मेरा लामडिंग लोकल मार्केट से, तो लामडिंग मैंने लोकल मार्केट से इसको परचेस किया था देख सकते हो। देख सकते हो गाइस ये वाला इयररिंग्स जो मैंने परचेस किया था, मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला अच्छा इयररिंग जो है अच्छा लगता है। तो ऐसा आप लोग अगर आपको ऐसा ऐसा करके आप लोग इसको मांग टीका के साथ भी पेयर कर सकते हो, कुछ ऐसा माथा पट्टी जो होता है उसके साथ आप लोग इसको पेयर कर सकते हो ऐसे करके, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है, राउंड शेप में है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रेड कलर का साड़ी के साथ था मेरा, रेड एंड वाइट के साथ भी आप लोग वेयर कर सकते हो। तो मैंने लोकल मार्केट से इसको परचेस किया था, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं इसका लिंक जो है वो भी दे दूंगी, क्योंकि ये मैंने देखा था शॉप से में भी मैंने देखा था और उसके बाद मैंने मीशो में भी इस सेट को देखा था। तो ये सेट जो है ऑनलाइन से आप लोगों को कम रेंज में परचेस कर सकते हो आप, और मैंने जब इसको लोकल मार्केट से परचेस किया था एक शादी में मैं जाने वाली थी, तो मेरा ब्लैक कलर का लहंगा था उसके साथ मैंने इसको परचेस किया था। तो गाइस मुझे पड़ा था इसका ये 300 रुपीज़, तो अगर आप लोग तो 300 रुपीज़ मुझे ये पड़ा था सेट, पूरा इयररिंग्स एंड सेट था ये पूरा सेट था। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो ऑनलाइन से तो आपको 200 में मिल जाएगा, इससे कम में भी आपको मिल जाएगा। तो ये वाला सेट है देख सकते हो, और मुझे ये वाला सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इस पर, इसलिए मैंने एक बार में ही ये देख के ले लिया था ये वाला सेट देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सा सेट है ये। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये वाला सेट जब मैंने देखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये सेट जो है परचेस कर लिया था साथ ही साथ। तो ये मैंने एक दिन ही पहना था गाइस, मेरा लहंगा के साथ, मेरे ब्लैक कलर लहंगा इसके साथ मैंने इसको वेयर किया था ये वाला लहंगा के साथ देख सकते हैं। और उसके साथ मुझे एक झुमका मिला था देख सकते हैं, इयररिंग्स मिला था, एकदम लाइट वेट है इसका, एकदम वेट ही नहीं, एकदम लाइट वेट है। तो आप लोग कोई भी मतलब ये एकदम लाइट वेट है, जो वेट वाला इयररिंग्स नहीं पहना चाहते इसके लिए एकदम परफेक्ट है ये वाला। तो मैं एकदम हैवी जो है इयररिंग्स वो पहन नहीं सकती हूँ, मेरा कान का देख सकते हो आप लोग एकदम छोटा छोटा है, इस वजह से मैं ये वेयर करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है और एकदम लाइट वेट है, एकदम वेट है ही नहीं इसका देख सकते हो, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा ये। तो ये मैंने परचेस किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था गाइस। तो आप लोग भी ऐसा, आप भी इसको लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हो अगर आप लामडिंग से हो, और अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन से ले सकते हो, ऑनलाइन में इसका कम प्राइस है, मैंने चेकआउट किया था बाद में, तब मुझे पता चला इसका रेंज बहुत कम है तो मैंने तो परचेस कर लिया था। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो मैं लिंक भी कोशिश करूँगी देने की आप लोगों को इसका, तो आप लोग ले सकते हो, बहुत अच्छा सेट है आप लोगों के साथ, आप बहुत से बहुत अच्छा सेट है, साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, गाउन के साथ आप लोग वेयर कर सकते हो इसको, बहुत ब्यूटीफुल सा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। तो मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन भी ऑफ करके रखा है क्योंकि साउंड के वजह से। तो गाइस आप लोग इसको वेयर कर सकते हो, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा, तो गाइस आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएगा। तो आज का लुक मेरा कैसे लग रहा है ये भी बताएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। ये मैंने अपनी मम्मी का साड़ी पहना है देख सकते हो, कि मेरी मम्मी का साड़ी है, तो बहुत अच्छा है साड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका। तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी का है, मेरे दादी ने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया था ये वाला साड़ी, तो अभी तो ये नहीं मिलेगा। तो गाइस देख सकते मैं कैसे लग रही हूँ ये भी आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।